दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आपको मालूम है मेरा कुकिंग वर्ल्ड करके चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब तो लाइक करना है और आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आज मैं आपको 2018 की नई डिज़ाइन लेके आई हूँ। वो कैसे की जाती है, वो शॉर्टकट है। आपको तो मेरे हर वीडियो शॉर्टकट ही लगते हो, मैं आपको क्या एकदम ईजी और आसान तरीके से बताना चाहती हूँ कि आपको आना चाहिए दोस्तों। ओके, अभी मैंने जैसे आपको मालूम है कभी भी हमने पैटर्न करना है तो पहले ऐसे काट लेना है दोस्तों, जैसे कि देखो। ओके, मैंने काट लिया है दोस्तों। ओके, अभी इसको बराबर रख देंगे। मैं आपको बहुत आसान और इजी बताऊंगी पैटर्न कि आपको आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए। ओके, पहले हम हमारा गला देख लेंगे। थोड़ा ये हटके ब्लाउज है, ये जरा डीप गला है, यानी बड़ा गला है और फैला हुआ गला है। मैं 4 ले लूँगी नीचे से और यहाँ से 3.5 ले लूँगी, 3 3.5। अपने जो चाहिए वैसा आप ले सकते हो, यहाँ से कितना भी बड़ा हो चलता है। खाली ये मेन चीज़ है, यहाँ से कम लेना चाहिए। जब आपका गला बड़ा होगा तो यहाँ से कम ले लेना है। अभी मैं 2 का ले लूँगी। ये 36 का ब्लाउज है दोस्तों। Okay, मैंने डेमो रखा है। अभी पहले फैब्रिक पे काट लूँगी, थोड़ा हटके से और बहुत आसान है। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, पहले कपड़ा। ओके, इसको अच्छी तरह से रख दूंगी और पहले कटिंग कर दूंगी कपड़े पे। कटिंग करने से मैं आपको एक सारा शॉर्टकट बता रही हूँ, जरा हल्के से काट लेना है पहले। अच्छी तरह से देखना, हिलना नहीं चाहिए कपड़ा अपना। इसे हाथ बीच में से रख लेना है दोस्तों और ऐसे कटिंग करते जाना है। अभी मैंने पहले काट लिया है, वो अभी इसको थोड़ा साइड रखेंगे तो इसमें से बीच में से नॉचेस दे देंगे, बीच का सेंटर मिल जाएगा अपने को। ओके, अभी प्लीज़ ध्यान देना है, अभी मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। अभी पहले मैं गला तैयार कर लूँगी पहले यहाँ पे। ओके, यहाँ 1 ले लूँगी और थोड़ा 5 शेप में दे दूंगी गला। आपको जो गला चाहिए आप दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी दे सकते हो और एक दूसरे भी डिज़ाइन बता रही हूँ मैं आपको। 10 का 20 का हुआ 5, यहाँ मैं 1.5 इंच अंदर बाहर जाऊँगी और थोड़ा यहाँ से मैं, मेरे को बड़ा गला करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ओके, और यहाँ से ऐसा भी ले सकती हूँ। ओके, अभी मेरे डिज़ाइन बनाने हैं मुझे। अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है। ये अपना अलग कपड़ा आने वाला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से काट लूँगी। इसी तरह इसको साइड रख दूँगी।
तरह से। ओके, अभी ये साइड रख लूँगी। अभी मैंने जैसा है वैसा ही गला रखना है दोस्तों। अभी मेन चीज़ अपनी क्या है, ये है, तो मैं ये ऐसा रख दूँगी। इतना अभी मैंने मेरा गला रख मैंने ऐसे रख दिया है। ये मैं थोड़ा हटके से बता रही हूँ। जिन लोगों को सेप का बहुत प्रॉब्लम होता है, कपड़े पे जल्दी आता नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये खास लेके टिप्स है। और पहले से जो एक्सपर्ट है सिलने के लिए वो भी ये टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ये अपना गला है, अभी इसको साइड रख दूंगी। अभी ये मैं काट लूंगी गला पहले। अभी इसको साइड रख लेंगे थोड़ा। अभी ये थोड़ा साइड, जो अपना मेन फैब्रिक है वो ले लूँगी, जो मैंने ये लिया हुआ है इसको सीधा कर लूँगी। इसी तरह से शाइनिंग वाला है। ओके, देख लेना आगे पीछे क्या है, नहीं है ना ऐसा। अभी मैं इसको कटिंग कर लूँगी, फिर इसको कैनवस पे चिपका लूँगी। ओके, थोड़ा साइड रख लेंगे। अभी इसको खोलूंगी मैं। उल्टा सीधा देख लेना है दोस्तों, ये ऐसा होने वाला है। इसको अच्छी तरह से सेप दे देंगे। और कैनवस चिपका लेंगे। जो कम ज़्यादा हो तो पहले अभी से छाट लेना है, बाद में छाटना नहीं है। ओके, इसी तरह से अभी आप बोल रहे यहाँ कम गिरा, अभी यहाँ अपना जब हम फिटिंग करेंगे तब ये अपना बराबर अंदर कवर आ जाएगा। ओके, अभी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, कर लेंगे। अभी पहले जो क्रॉस कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे दोस्तों। एक इंच पे काटना है। मैं पहले पाइपिंग लगा लूंगी। पाइपिंग लगाने से अपने को फिनिशिंग और अच्छी आएगी ब्लाउज की। ओके, अभी इसको साइड रख लेंगे और जॉइंट करते जाएंगे। का दूरा कुछ हो गया प्रॉब्लम कुछ पाइप में। अब ये पाइपिंग लगा लेते और वन साइड पहले सिलाई मार, जैसे हर वीडियो में आपको मैं बताती हूँ देखो, तो वैसा ही करना है, डरने का नहीं है। ओके, देखा है ना, मैंने ऐसा करके लेना है। अभी जो अपना जो मेन फैब्रिक है वो ले लेंगे। ओके, इसको खोल देंगे और पहले पाइपिंग लगा लेंगे। इसे लगाते जाना है और कपड़ा थोड़ा भी नहीं खींचना है दोस्तों, जैसे वैसे रखते जाना है। ओके,
अभी हम हल्का सा नॉचेस दे देंगे यहाँ पे जहाँ अपना सेप है वहाँ। अभी हम डोरा ले लेंगे, डोरी की पाइपिंग बना लेंगे। ऐसा करना है और इसे ढक देना है। धीरे धीरे करते जाना है, फास्ट करना है। लेकिन आपकी पाइपिंग अच्छी होगी ना दोस्तों, आपका ब्लाउज बहुत अच्छा होगा। जो पाइपिंग नहीं खराब होगी तो ब्लाउज की पूरी वाट लग जाती है, मतलब अच्छा नहीं दिखता, फिनिशिंग नहीं दिखता है। इसलिए मेरा सजेशन ज़्यादा से ज़्यादा है, मैं हर बार बताती हूँ आपको कि पाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपने। अपनी पाइपिंग हो गई, अभी थोड़ा अपन डबल सिलाई मार लेंगे। यहाँ जो राउंड है यहाँ हल्का सा खाँचा लगा लें, यानी कि अपना सेप अच्छी तरह से आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये कपड़ा कड़क होता है ना तो अपनी पाइपिंग उल्टी भी गिर सकती है दोस्तों, प्लीज़ आपने नोट करना है ये बात। थोड़ी कड़क कपड़ा होने से भी अपनी पाइपिंग उल्टी गिर सकती है। अभी देखो मैंने किसी पाइपिंग लगा ली है दोस्तों, है ना। ओके, अब इसको अपन अस्त्री मार लेंगे तब अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा टक्स पॉइंट ले लेंगे इसका, बीच में चार डाल देंगे, यहाँ चार और यहाँ भी चार, यानी कि आठ। ओके, और 3.5 का टक्स ले लेंगे कि अपना गला डीप है ना, इसीलिए बड़ा है ना। पाव ऑयल पे लेना है, अभी हम ज्वाइंट करते हैं। हमने ग्रीन कपड़ा लिया, ग्रीन कलर की पाइपिंग करेंगे अभी दूसरे काउंटर से ना, इसीलिए ओके। अभी इसको साइड रखेंगे,
और ज्वाइंट करेंगे पहले। देख लेना है माप बराबर अपना, एकदम राइट। अभी हम धागा चेंज कर लेंगे थोड़ा। कर लिया दोस्तों, जिसे अपने वैसे कहते हैं सेम वैसे ही करना है, सेम वही प्रोसेस। कौन सी भी आप पाइपिंग लगा ना, पहले इसे फोल्ड ही कर लेना है। इससे क्या होता है, अपनी पाइपिंग और अच्छी तरह से बैठ जाती है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ दोस्तों, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको समझना चाहिए। मैं बता रही हूँ ना ऐसा, क्या हर बार मैं मैडम इसे क्यों करती हूँ, क्योंकि इसे करने से अपने की पाइपिंग और अच्छी तरह से बैठ जाती है। अभी जैसे वहाँ लगाई पाइपिंग, सेम इसको भी वैसे ही पाइपिंग लगा लेगी। इसको भी थोड़ा बीच में से हम नॉचेस कर लेंगे, हल्का सा पॉइंट आना चाहिए। जो अपना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अपन कटिंग कर लेंगे, ओके। और इसको भी पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगा लिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा है वो काट लेंगे। देखा है ना, ऐसे अपनी पाइपिंग आनी चाहिए दोस्तों। अभी जो अपना भाग है वो ले लेंगे। आपको लग रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वगैरह अस्तर का है ना, इसीलिए। अभी यहाँ मैं बीच में से सिलाई मारूंगी, बीच का नोचेस, यानी कि अपना जो नोचेस अपने दिया था निशानी, तो इसको थोड़ा सेंटर निकाल लेंगे। और इसको यहाँ से जहाँ सेंटर अपना था वहाँ से इसको लगा लेंगे, ओके, इसी तरह से। अभी पहले मैं यहाँ सिलाई मार लूँगी। सेंटर देख लेना है बराबर, कपड़ा खींचना नहीं चाहिए दोस्तों, ओके। इसी तरह से बराबर आना चाहिए। जहाँ हमने पीछे का टक लिया वो भी ढक गया है दोस्तों, है ना, इसी तरह से। ओके, अभी हम जरा थोड़ा हटके से करें, जो एक्स्ट्रा है वो छाट लेगी। और हम नीचे भी पाइपिंग जैसे यहाँ लगाई, इसको भी वैसे ही पाइपिंग हम लगा लेते हैं। तो इधर पहले सेंटर देख लेना है जैसे है वैसे ही, ओके। मैं थोड़ा हटके से बता रही हूँ आपको, और ये बहुत आसान है, एकदम ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इसके अंदर, है ना। बराबर देख लेना है, आड़ा टेढ़ा नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए। अभी सब जन ऊपर से दूरी लगाते हैं, हम जरा हटके से दूरी लगाने वाले हैं। सेंटर डाल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, जो मैंने डोरी बनाई है दोस्तों। इसके भी दो टुकड़े कर लूँगी और लगवा दूंगी। यहाँ से ऐसा करना है, दोरा चेंज कर लेगी। आगे पीछे कर लेना है दोस्तों, और फिनिशिंग भी तुरंत कर लेनी है, ओके। इसको भी वैसे ही कर लेगी, सेम वही प्रोसेस।
ओके। अभी हम लेस लगवा लेंगे थोड़ी हल्की सी, जहाँ से और अच्छी अपनी डिज़ाइन आ जाएगी। एकदम अच्छा बिठा लेना, ये क्या होती है लेस एकदम अच्छी तरह से बैठ जाती है लेस में। मैं वन साइड ही करूंगी कि अपना वन साइड ही दिखता है ना डिजाइन, इसीलिए एक साइड तो जहाँ ढक जाती है डिजाइन, साड़ी के पल्लू तलक आ जाते ना इसीलिए। हम काट लेंगे, ओके। अभी आपको लगा तो आप दोनों साइड भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नो प्रॉब्लम। अभी हम डोरी डलवा देंगे, ये हमारी अलग अलग मैंने डोरी डलवाई दोस्तों। ऐसा लेना है, मैं बता रही हूँ, ओके। पहले फूल बना लेंगे यहाँ पे, पूरी सिलाई मार ली दोस्तों। देखो मैंने कैसे नॉट लगाया, सब ऊपर होता है, मैंने थोड़ा हटके बताया। और ये अपना ये वन साइड पल्लू आता है, इसके लिए से ढक जाता है, इसलिए मैंने ऐसे वन साइड ऐसे ये लेस लगाई और ऐसा पैटर्न बना दिया है दोस्तों। एकदम शॉर्टकट, एकदम आसान तरीके, आपने देखा ही होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ओके।